फ्रेंड्स, आज की खराब लाइफ स्टाइल, स्मोकिंग और अल्कोहल की वजह से आजकल लोगों को कम उम्र में ही हार्ट की बीमारी हो रही है। ऐसे में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी हार्ट की बीमारियों से रिलेटेड दो ऐसे शब्द हैं जिसके बारे में अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। दोस्तों, एंजियोग्राफी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसमें हार्ट की जांच के लिए ब्लड वेसल्स का चेकअप किया जाता है और इसी जांच के बाद ब्लॉकेज का पता लगता है। एंजियोप्लास्टी हार्ट का इलाज है जिसमें पतली वेसल्स को चौड़ा किया जाता है, यानी कि ब्लॉकेज हटाया जाता है। दूसरी बात, अक्सर लोग एंजियोग्राफी का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं ये जोखिम भरा तो नहीं है या फिर इसमें जान का खतरा तो नहीं है। फ्रेंड्स, वैसे तो एंजियोग्राफी एक सेफ और पेनलेस प्रोसेस है जिसमें लगभग 30 मिनट से लेकर 2 घंटे तक का समय लग सकता है। पर हाँ, एंजियोग्राफी के बाद 1 या 2 हफ्तों के लिए खरोंच या दर्द होना आम बात है।